आ रही है ओमकार के रॉकस्टार से तेरिया मगर विद हस्केपा। इश्क की धुन रोज जलाए उठता धुआं तो कैसे छुपाए। अब जानते हैं मास्टर से कि उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा और सबसे पहले पूछेंगे मास्टर अहमद से। टेरिया ने कभी भी ऐसा एरियल नहीं किया, हमने इसको करते हुए नहीं देखा एंड इट वाज स्कैरी जो भी जितना हुआ, बट तुमने इसे कोरियोग्राफ किया, दैट वाज अ नाइस थिंग, इट वाज आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। थैंक यू सर। सो गुड जॉब डन एंड बीच के देयर वर वेरी गुड एरियल, बहुत अच्छा लगा यहाँ से जब आप दोनों पीछे स्लाइड ग्लाइड करके गए, व्हेन शी वाज टॉपसी टर्वी विद अ स्प्लिट, बहुत अच्छा लगा। आई रियली लाइक द एक्ट ओवरऑल एंड टेरिया कीप इट अप बेटा। सो फाइनल्स के लिए कुछ नया तुमने खोल दिया है, वेरी गुड। व्हाट आई रियली लाइक वाज रिस्क फैक्टर टेरिया के लिए था, क्योंकि हॉनेस्ट आप थे, वो नहीं थी। And for her to do the entire act not being harnessed, that's the risk factor. और इस वक्त एक हफ्ते हम दूर हैं फिनाले से पहले, और ऐसा रिस्क भी लेना was mind blowing. Thank you. You were very, very good today. Thank you so much, masters. Sir, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था आपका और कोरियोग्राफी भी इतनी इंटरेस्टिंग थी और एक आधा सर्कस एक्ट आधा डांस परफॉर्मेंस, बहुत खूबसूरत एंड very very well done. Thank you so much Ritesh, aapko inka performance kaisa laga? काफ़ी लोग बहुत सारे सालों की ट्रेनिंग के बाद इस तरह का एक्ट करना पसंद करते हैं, पर इन्हीं फाइनल राउंड्स में आकर ऐसी रिस्की चीज़ करना, उसको बेझिझक करना, आई थिंक इसमें भी बहुत बड़ी बात है। तो फुल कॉन्ग्रेचुलेशन टू दिस लिटिल गर्ल हु वाज सो परफेक्ट इन वॉट एवर शी डिड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग बहुत बहुत अच्छे। ग्रैंडमास्टर, ये जो अहमद सर कहते हैं बार बार, एक वजन क्या हुआ आपके, आप बढ़ गए क्या? एक नहीं, अहमद सर हमेशा मुझे बोलते कि ये सबसे मतलब तेरिया एक बहुत वजनदार है।
वजनदार. वेरी बैड, वेरी बैड. वो कहना चाहते हैं बहुत वजनदार परफॉर्मेंस दिया आपने और उसी वजन से मैं भी खड़ा हो जाता हूँ आपके लिए स्पेशल.